नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई से रिलेटेड, यूएई लेबर लॉ। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज मैं बता दूं साथियों कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, आपका ठेकेदार, आपका कंपनी, आपका मालिक, आपका छोटा मोटा जितने भी औकात के हिसाब से कंपनियां होती हैं, छुट्टी के दिन बहुत सारे वर्करों को काम करना होता है। जी हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने एक वीडियो बनाया था दुबई लेबर स्टाइल, तो मेरा साथी था, उसने बताया कि आज छुट्टी है लेकिन काम पे जाना पड़ेगा, गाड़ी का ड्राइवर था। ठीक है, तो उस दौरान उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सोचने की बात है। पता चले कि ठीक है, नॉर्मल सैलरी मिल रही है, उसी में उसको ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि दुबई का लेबर लॉ क्या बोलता है, छुट्टी के दिन अगर कंपनी आपसे काम करवाती है तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए, और छुट्टी के दिन का आपको क्या, कौन से दिन आपको एक्स्ट्रा में छुट्टी मिलनी चाहिए। सेकेंड बात, ये तो कंपनियां नहीं करती हैं, आपको सैलरी वगैरह नहीं देना वगैरह, एक्स्ट्रा नहीं देना, बोनस एक्स्ट्रा नहीं देना अगर छुट्टी के दिन काम करवाती हैं तो। उनकी शिकायत आप कर सकते हैं, मैं स्क्रीन के माध्यम से आपके पास एड्रेस वगैरह सब कुछ दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको वीएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनियां छुट्टी के दिन आपसे काम करवाती हैं, चाहे आप एक्सवाइजेड कोई भी काम करो, वो कोई मैटर नहीं होता कि आप कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो, आप ऑफिस में कर रहे हो, आप ड्राइवर हो, एक्सवाइजेड कोई भी काम छुट्टी के दिन आपसे कंपनी करवाती है। जो बता दूं, लेबर लॉ अनुच्छेद 74 यानी 74 एक आर्टिकल में बताया गया है कि एक वर्कर गवर्नमेंट छुट्टी के दिन, सरकारी जो छुट्टियां होती हैं सरकार की तरफ से, जिनको सार्वजनिक छुट्टी बोल सकते हैं, उनमें उनको पूरा अधिकार है कि वो छुट्टी के दिन की सैलरी मिले। ये नहीं कि छुट्टी है भाई तो तनख्वाह नहीं है, छुट्टी की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हालांकि आप सबको बताइए सैलरी मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रियर केस में कई बार ऐसा हो जाता है। यूए की जो एक आधिकारिक वेबसाइट है गवर्नमेंट यूएई, उसमें भी बताया गया, यदि कोई वर्कर को कंपनी अपने स्वार्थ के लिए छुट्टी के दिन काम करवाती है तो उसको छुट्टी का, जो मान लीजिए आपको 100 दिरहम पर डे मिलता है, तो उसका 150% आपको मिलना चाहिए छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा, यानी आपको 150 दिरहम उस दिन की सैलरी आपकी बनती है। नोट रखें, इसका एविडेंस भी मैं आपको देना दूंगा आगे। अगर आपकी कंपनी नहीं देती है तो आप उसकी शिकायत कहां करें, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये नहीं कि आपको 150% मिल गया तो फिर आपकी छुट्टी बाकी है, इस बात को ध्यान रखें। मान लीजिए आपकी कोई त्योहार है, मान लीजिए नेशनल डे है यूएई का, सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई आज के दिन की छुट्टी है, और कंपनी बोलती है नहीं जी आपको काम करना है, तो आपको आपकी सैलरी के पर डे जितनी तनख्वाह होती है जैसे 100 दिरहम, तो उसकी 150 गुना यानी 150 दिरहम उस दिन की तनख्वाह मिलेगी, प्लस उस दिन की छुट्टी भी आपकी रिजर्व में रहेगी, उस दिन की छुट्टी कंपनी को किसी और दिन आपको देनी होगी। ये दुबई लेबर लॉ बोलता है, 74 के आर्टिकल में यह बात साफ साफ लिखी गई है, तो ये 100% आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। अगर मान लीजिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा छुट्टी की, कोई अलग से छुट्टी नहीं देती है, मैंने आपको एग्जाम्पल, ये बातें दिमाग लगा के समझने की है, कोई सार्वजनिक छुट्टी सरकार की तरफ से है, उस दिन कंपनी ने काम करवाया, 150% सैलरी हुई, लेकिन उस दिन की छुट्टी भी आगे कंपनी को देनी होगी, उस दिन भी, उसमें भी मान लो कंपनी आपको छुट्टी नहीं देनी देना चाहती, तो उस दिन की भी आपको 150% सैलरी कंपनी को देनी होगी, यानी आपकी 100 दिरहम सैलरी है तो उस दिन की भी आपको 150%, यानी 150 दिरहम आपको पर डे की उस दिन की सैलरी बनती है। रोजगार कानून दुबई का जो लेबर लॉ है, रोजगार कानून अनुच्छेद 21 में यह बात बताई गई है। आगे हम बात करें, कोई भी परिस्थितियों की वजह से कंपनी आपसे काम करवाती है छुट्टी के दिन, तो आपको तो अधिकार मिलता है, आपको मैंने बता दी, लेकिन उसके साथ में एक बात को और भी ध्यान रखना आपको, ये लेबर लॉ में बहुत अच्छी अच्छी बातें लेबर के पक्ष में है, लेकिन भाई कोई लोग ध्यान नहीं देते, कंपनी का दबाव होता है, कंपनियां तो आपको पता है वो तो देना ही नहीं चाहती, ये तय बात है। उस दिन वो 150% तो देना ही है, बाकी जो आपका बोनस बनेगा, जैसे कंपनी ने 5 दिन 10 दिन साल में आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया, तो 10 दिन की एक्स्ट्रा बोनस 150% के हिसाब से 500 दिरहम एक्स्ट्रा बन गए ना साल का आपका, ठीक है, तो उसका जो आपका बोनस बनेगा उसका भी 50% यानी 50% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जब आपका बोनस आपकी काउंट होगा। एंड लीव पे मैं बात करूं तब की मैं बात बता रहा हूं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपको ये कंपनियां नहीं देती हैं आपको सुविधा, आपको लगता है कि यार उस दिन की सैलरी अपनी बाकी है, या सैलरी पूरी नहीं दी, आपको बोनस पूरा नहीं मिला, या उस दिन की छुट्टी की अपने को जो मैंने पीछे की बातें बताई है, तो उनकी अगर आपको लगता है आप असंतुष्ट हैं तो श्रम विभाग में आप शिकायत कर सकते हैं। आपको अगर कंपनी के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 8160 ये नंबर है वहां का, मंत्रालय के हॉट नंबर है, उसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं।
मोरे ऐप, आपको आपको पता है मोरे ऐप आता है, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके कंपनी के खिलाफ में आप शिकायत कर सकते हैं, या आपका मालिक है उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। शर्म शिकायत करनी है लेबर लॉ से रिलेटेड। तीसरे नंबर की बात करें, www.more.gov.ae पर आपको जाना होगा, और शर्म शिकायत करने की उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, उसको आपको चुनना होगा। अगर आप ये तीसरा विकल्प चुनने की ये सोचते हैं कि भाई चलो तीसरे पे हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपका एक अकाउंट बनेगा, इसके लिए आपको अकाउंट में, आपको पता है आपको अमेजन पे आप ऑर्डर देते हैं तो फर्स्ट टाइम आप ऑर्डर देते हो तो सब बातें भरनी पड़ती है, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, वर्क परमिट नंबर वगैरह सब ये आपको उसमें सबमिट करना है। आपने एक बार अगर शिकायत कर दी इस बात की, तो बता दूं 72 आवर्स यानी आपको लगभग बता दूं 3 से 3.5 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन आप मान सकते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास 100% उसकी तरफ से, जो बताया सिस्टम की तरफ से, आपके पास कॉल आ जाएगा, आपकी कंपनी के पास कॉल आ जाएगा। शुरू में इस मुद्दे को नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे अब कई बार होता है ना कि भाई अपन कोई कंप्लेन करते हैं तो नॉर्मली कॉल देते हैं, भैया तेरे खिलाफ कंप्लेन आई है तो तू देख ले, तेरे हिसाब से समझौता कर ले। तो इस तरह से उधर से कॉल आएगा कंपनी के पास कि ये मैटर है, इनका पूरा समाधान कर दीजिए, तो 99% कंपनियां हाँ कर लेती। अगर फिर भी कंपनी नहीं करती है तो फिर उसके पास लेबर कोर्ट में वगैरह वगैरह, वो एक लंबी प्रोसेस अलग से चालू हो जाती है। याद रखें, इस प्रक्रिया के लिए कर्मचारी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई आपका खर्चा नहीं लगेगा कि आपको इतना चार्ज देना वगैरह वगैरह। वहां पर भी एजेंट लोग बहुत बैठे, हाँ मैं शिकायत कर दूंगा, 100 दिरहम लगेंगे, 50 दिरहम लगेंगे, ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा और मुझे लगता है नॉलेजेबल होने वाला है। आप कोशिश करें सब लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाने की, चाहे आप वीडियो भी शेयर करते कर सकते हैं, ताकि जितने भी लेबर वर्क है जिनको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए बेस्ट न्यूज है ये। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।